बंदे पुरुषोत्तम, देह आत्मा अंतर्दृष्टि एवं वर्णाश्रम। श्री श्री ठाकुर जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि अंतर्दृष्टि क्या है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि इनर पेनेट्रेटिंग आई, अंतः प्रवेशी चक्षु है। डॉक्टर को अंतर्दृष्टि नहीं रहे तो वह विचार कर दवा नहीं दे सकता है। सभी को सर्दी होती है किंतु दवा एक प्रकार की नहीं दी जाती है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि देह एवं आत्मा में क्या पार्थक्य है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि आत्मा है अत धातु से, अर्थ है सतत गमन, सतत गतिशील। यह बोध होता है देह के माध्यम से। मेरे अंदर जो वाइटल पावर, जीवनी शक्ति है, जो मेरे विधान के अंदर संचारित होकर मुझे संजीवित कर रखता है, यही आत्मा है। भक्त ने प्रश्न किया कि जिन्हें पूर्व जन्म की बातें याद हैं, क्या यह आत्मा का प्रकाश है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यह आत्मा के माध्यम से नहीं होता है, यह कॉन्शसनेस चैतन्य से होता है। पूर्व जन्म की बातें स्मरण होने से संस्कार अच्छा रहता है। भक्त ने प्रश्न किया कि वर्णाश्रम क्या है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि सभी मिट्टी समान नहीं है। देवघर की मिट्टी लाल है, बंगाल की मिट्टी काली है। यहाँ जो वृक्ष होता है वह वृक्ष बंगाल में नहीं होता है। पक्षियों में भी है, काला बगुला, सफ़ेद बगुला, लाल बगुला, इन सभी का समाज अलग अलग है, खाद्य अलग है। मनुष्यों में देखा जाता है कि दो मनुष्य समान नहीं पाए जाते हैं। यह विभिन्नता प्रकृति में है। यदि सभी एक समान होते तो एक समान इम्पल्स प्रेरणा देते, तब एक दूसरे का उपभोग नहीं होता। दीपरक्षी चतुर्थ खंड, पृष्ठ संख्या 119, दिनांक 23/12/1958। जय गुरु।